हम इस वक्त खड़े हैं यमुनानगर में बने हथनी कुंड बैराज पर। हरियाणा और यूपी की सीमा पर बना हुआ यह बैराज जो है पानी को डाइवर्ट करने का काम करता है। एक तरफ हरियाणा को जो है पानी दिया जाता है, दूसरी तरफ जो है यूपी के लिए पानी डाइवर्ट किया जाता है। और यदि पानी ज़्यादा आ जाता है तो बड़ी यमुना में छोड़ दिया जाता है, जो पानी सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। आपको दिखा दूँ कि पहली बरसात में हिमाचल प्रदेश से जो पानी आया है किस तरह यहाँ पर उफान मचा रहा है, क्योंकि इस समय जो है 70,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी आ चुका है। वहीं आपको बता दूं कि सिंचाई विभाग की तरफ से पिछले साल जो है यहाँ पर बैराज की सुरक्षा के लिए बेड बनाया गया था यहाँ पर पत्थरों का, और दूसरी तरफ ब्लॉक लगाए गए थे, लेकिन वो पिछले साल ही जो है पानी में बह गए थे। और कुछ एक यहाँ पर ब्लॉक पड़े हैं फिलहाल, लेकिन जो पत्थरों का बेड बनाया गया था वो बिल्कुल धराशायी हो चुका है। वहीं आपको दूसरी तरफ दिखा दूं कि यहाँ पर मीटर भी बनाया गया है जो यमुना के पानी को दर्शाता है कि यमुना में कितना पानी आया हुआ है। फिलहाल तक यह जानकारी मिल रही है कि यमुना में आज जो है 70,000 क्यूसिक पानी आया हुआ है। हरियाणा और यूपी का हिस्सा का पानी देने के बाद जो है बाकी का पानी गेट खोल कर बड़ी यमुना में छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर 5 गेटों से पानी छोड़ा गया है। लगातार जो है यहाँ पर पानी जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, और ये यमुनानगर के कई गांवों को भी प्रभावित करता है। इससे जो है कई गांवों में कई बार पानी घुसने का खतरा बना रहता है। दूसरी तरफ जो है यह ज़मीन को मतलब खेती करने वाले किसानों को भी काफ़ी प्रभावित करता है। अभी हाल में तो पानी कम है हमारे पास, 3,400 कैसी पानी है 1 बजे। तो कहाँ छोड़ा गया पानी? पानी हरियाणा को दिया WJC में, STM ना कनाल में 16,008 क्यूसिक, और EJC को दिया STM ना कनाल को 1,802 क्यूसिक, बाकी रिवर में है अब 15,671 पानी। फिलहाल तो यहाँ पर लगातार जल स्तर बढ़ता रहेगा, देखना होगा आगे हथनी कुंड बैराज पर पानी की क्या स्थिति रहने वाली है। TTV भारत हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।